भोजपुरी सिनेमा के लिए और भोजपुरी दर्शकों के लिए ये ईद स्पेशल होने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों, तो बता दें दोस्तों कि इस ईद पर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टारों पवन खेसारी, निरहुआ और प्रदीप पांडे चिंटू की। ये बात तो हमने आपको पिछली एक रिपोर्ट में ही बताई थी, लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पवन और निरहुआ से जुड़ी एक खास खबर। जी हाँ, उनकी दोस्ती की खबर। दरअसल इन दिनों पवन बहुत सारे स्टेज शो में आए दिन बिजी रहते हैं, इससे उनकी फिल्म का भी प्रमोशन हो रहा है। इसी बीच पटना के एक स्टेज शो में पवन ने एक गाना सुनाया, इसी गाने में तो दिलचस्प बात छुपी थी। दरअसल वो गाना था ओठुआ के ललिया अखवा के कजरवा, और ये गाना निरहुआ की फिल्म जिगर का गाना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पवन ने निरहुआ का गाना क्यों गाया, तो बता दे दोस्तों कि ये गाना बेशक से निरहुआ के फिल्म का गाना हो, लेकिन इस गाने को पवन ने अपनी आवाज दी है। पवन की आवाज से इस गाने में और भी चार चांद लग जाते हैं, तो कहीं अब ऐसा ना हो कि पवन की फिल्म में निरहुआ की आवाज हो। अगर हो भी गया तो ये बात साफ हो जाएगी कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त जरूर हैं, क्योंकि स्टेज पर भी पवन बड़े भैया कहकर निरहुआ की काफी तारीफें करते नजर आए। जाते जाते बता दें कि इस शो में पवन के साथ अक्षरा सिंह भी आई थी, जिन्हें देखकर पवन ये गाना गा रहे थी और अक्षरा मंद मंद शर्माहट भरे मुस्कुराहट दे रही थी। दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो वैसे भी दर्शक पागल हो ही जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।